हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं बहुत जल्दी नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और मेरा ब्रेकफास्ट भी बन के हो चुका है रेडी। ये देखिए, आज फिर से हम खा रहे हैं नाश्ते में आलू पूड़ी। तो करते हैं आलू पूड़ी इंजॉय। आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और अब हो चुका है नवी को स्कूल से लाने का टाइम, तो उसको मैं ही लेके आती हूँ। तो चलते हैं, हम नवी को स्कूल से ले आते हैं। और ये मैक्स यहाँ पे बहुत बदतमीज़ कर रहा है। मैक्स मत करो, ये ना मतलब बात नहीं करने देता, पैरों में घुसा जाता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे, नवी को लेके आती हूँ, ठीक है? फिर नवी के साथ मिलती हूँ आपको। आज नवी को मैं दिखाती हूँ, नवी आज कुछ बना हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नवी को स्कूल लेने और नवी को दिखाती हूँ मैं क्या बना हुआ। नवी इधर देखो, ये डरा रहा है सब। बस बस बस, गाइस को दिखा दो, गाइस को दिखा दो। ऐसे नहीं, ये मेरा एलिफेंट, ये मेरा एलिफेंट आ गया। इतना खतरनाक एलिफेंट कहाँ से आया? आपको मेरी हालत थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मैं अभी अभी अपने मायके से आई हूँ। वो मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं चली गई थी मम्मी को देखने के लिए। भाभी से बात हुई थी, भाभी ने बताया कि मम्मी को थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं चली गई थी नवी को स्कूल से लेके आने के बाद मायके। और अभी अभी आई हूँ, अभी 4:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर अब थकान लग रही है थोड़ी सी, तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद शाम की हम खाने की तैयारी में लग जाएंगे। ये बन रही है कॉफ़ी, अभी मैंने इसमें कॉफ़ी और चीनी ऐड कर दी है। अब इसको थोड़ा बॉईल करके और ये हो जाएगी रेडी। कॉफ़ी हो चुकी है रेडी, आप लोग भी आ जाइए पी लीजिए। ये हो रही है गाजर के हलवे की तैयारी और ये पति देव जी घिस रहे हैं जब मूड खराब हो गया। इनका बस चलता तो मुझसे घिंचवाते सारी गाजर। नवी आप क्या खा रहे हो? ब्रेड जैम, वेरी गुड। यहाँ पे मैक्सु लेटा है अपने बिस्तर पर और मासूम बन के लेटा है बिल्कुल। चाय भी है हमारी, कॉफी सॉरी, तो कॉफी करते हैं हम एंजॉय। फ्रेंड्स, हो गई है मेरे हलवे की तैयारी और यहाँ पर हलवा रेडी हो रहा है, साथ साथ में सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है डिनर बनाने का। तो हम साथ साथ सब्जी बनाएंगे और हलवाई बनाएंगे। आज मैं बना रही हूँ मेथी और सोया मिक्स करके सब्जी। तो चलिए सब्जी की तैयारी करते हैं हम लोग। गाइस कट रहे हैं बादाम हलवे में डालने के लिए, इससे हलवा हो जाएगा यम्मी यम्मी। तो हलवा ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, थोड़ा सा इसमें दूध है अभी, तो जब ये थोड़ा सोख हो जाएगा उसके बाद हलवा रेडी हो जाएगा। ये हो रहे हैं एग बॉयल, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का आज मन था बॉयल्ड एग खाने। एग खाने का आज हम दोनों का थोड़ा सा मूड हो चुका था क्योंकि शाम का टाइम था और अभी सर्दियां हैं। सर्दियों में तो एग खाए जाते हैं, गर्मियों में तो नहीं खाए जाते हैं। और आप इनको एग को ना थोड़ा सा निकाल के हल्के से हाथों से मैश कर लो तो ये बहुत इजीली निकल जाता है इनका छिलका। देखिए जैसे मैं हल्का सा इनको हाथों से घुमा रही हूँ तो बहुत जल्दी निकल जाता है। और
हो चुके थे मेरे एग, इसमें से मैंने एक मैक्स के लिए और टू टू हमारे लिए हो जाते। नवी भी पसंद नहीं करता है एग खाना, और मैंने ग्रीन चटनी पीस रखी थी तो उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आता है, धनिया पुदीने की चटनी ये एग हो वाली। चुके हैं बॉयल, और अब हम चलते हैं एग को ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैं और हस्बैंड खाते हैं, सासू माँ नहीं खाती है, तो चलिए खाते हैं एग। ये लीजिए गरम गरम एग खाइए चटनी लगा के। नवी एग खाओगे? गाइस हो चुका है मेरा डिनर बन के रेडी, मैंने पूरा फिनिश कर दिया है सब कुछ, मतलब दे भी दिया है हस्बैंड और मम्मी को खाना, सासू माँ को। और मैं आज खाने वाली हूँ अपने डिनर में कुछ स्पेशल चिकन, जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं है, मम्मी भी नहीं खाती है, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, सिर्फ मैं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए बनाती नहीं हूँ, थोड़ा सा आलकस कर देती हूँ ना, क्योंकि अकेले बंदे के लिए तो बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मेरी नन ने भिजवाया था चिकन दीदी ने, तो मैं कर लेती हूँ अब डिनर अपना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।